श्री राम सत्संग भवन का लोकार्पण होगा। परम वंदनीय श्री मणिराम दास छावनी पीठ के परमाध्यक्ष श्री राम माननीय श्री सर्वानंद लोगोवाल जी, केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय भारत सरकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब हम लोग 2019 से पहले आते थे तो किसी भी सभा में आने के पहले हर कोने से एक ही आवाज आती थी, और हम लोग जब यहां पर आते थे दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी, पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी, दिगंबर अखाड़ा में स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज के यहाँ कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में, और एक ही आवाज आती थी, और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना, क्यों किसी को कोई संदेह है? नहीं। जो कहा वहां करके दिखाया गया, और हो गया है। भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा तो देश और दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने आप को गौरवशाली मानिए, अपने को धन्य समझिए कि भगवान की इस पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए कुछ करने का अवसर जब भी किसी को प्राप्त हो तो बड़ी खुशी खुशी के साथ उसको अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जन्म और जीवन का यही सार्थकता है। यहां आने वाले श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए, यहां पर पूज्य संतों को कोई समस्या ना हो उसके लिए, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए, जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए, और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री मणिराम दास छावनी के माध्यम से पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बना यह श्री राम सत्संग भवन श्रद्धालुजनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का एक माध्यम बन पाएगा, बनेगा।